आज हम सीखेंगे एनिमलिया जगत के वर्टिब्रेटा समूह के बारे में। हम जानते हैं कि जीवों के भ्रूणीय अवस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज या अन्य किसी अवस्था में पृष्ठ सतह पर एक छड़ के जैसी संरचना उपस्थित होती है जिसे नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु कहते हैं। जिन जंतुओं के भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है कॉर्डेट या रज्जु की यानी कॉर्डेट्स कहलाते हैं। चलिए आज कॉर्डेट के बारे में चर्चा करें। कॉर्डेट समूह के जीवों की कुछ विशेषताएं हैं। जीवन की किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु यानी होलो नर्व कॉर्ड तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र यानी पैड फेरेंगियल गिल स्लिट्स। सभी कॉर्डेट्स द्विपार्श्व सममित यानी बायलैटरल सिमेट्रिक, त्रिकोर की यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक और प्रगुही यानी सीलोमेट होते हैं। इनके शरीर में अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। इनका हृदय अधार भाग में यानी वेंट्रली लोकेटेड होता है। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कॉर्डेट्स को प्रोटोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा इन उपसंघों में बांटा जा सकता है। चलिए प्रोटोकॉर्डेटा को समझे। प्रोटोकॉर्डेटा इनमें एसिडिया, हार्डमेनिया, एम्फियोक्सियस इत्यादि। इनके शरीर में द्विपार्श्व सममिति होती है। वे प्रायः समुद्री प्राणी हैं। वे त्रिकोर की तथा देह गुहा युक्त होते हैं, लेकिन इनकी मुख्य विशेषता है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। नोटोकॉर्ड छड़ के जैसी लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। अब चलिए वर्टिब्रेटा की बात करें। इन्हें कशेरुकी भी कहा जाता है। इनमें विभिन्न जंतु जैसे कतला, मेंढक, कछुआ, नाग, विभिन्न पक्षी एवं स्तनधारी यानी मैमल्स सम्मिलित है। वर्टिब्रेटा संघ के जंतुओं के भ्रूणीय अवस्था में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। वयस्क अवस्था में इसका परिवर्तन अस्थिल यानी कार्टिलेजेनियस या उपास्थिल यानी बोनी मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम में होता है। वर्टिब्रेटा को हम छह वर्गों में बांटते हैं, वे इस प्रकार हैं। चलिए इन वर्गों को समझे। वर्टिब्रेट में कुछ जंतु जबड़ा रहित होते हैं तो कुछ में जबड़ा उपस्थित होता है। हम जबड़ा रहित जंतुओं को साइक्लोस्टोमाटा वर्ग में रखते हैं। जबड़ा मुंह को खोलने तथा बंद करने का ढांचा है। कुछ वर्टिब्रेट में यह ढांचा उपस्थित नहीं होता, अर्थात वे जबड़ा रहित होते हैं। इन्हें साइक्लोस्टोमाटा इस वर्ग में रखा गया है। उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रो तथा मिक्सीन या हैगफिश। ये सभी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर ईल के आकार जैसा लंबा, मुख गोलाकार तथा त्वचा चिकनी शल्क रहित होती है। श्वसन के लिए इनमें 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं तथा परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनमें कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है। वे लैंगिक जनन पद्धति से जनन करते हैं। साइक्लोस्टोमेट को छोड़कर अन्य वर्टिब्रेट में जबड़ा होता है। चलिए इनकी विशेषताएं देखें। वर्ग मत्स्य यानी पाइसेस या मछलियां। इस वर्ग में सभी मछलियों को रखा गया है। उदाहरण के लिए शार्क, ट्यूना, रोहू, कतला इत्यादि। इनका शरीर धार रेखीय यानी स्ट्रीमलाइंड होता है तथा वे जल में मांसल पूंछ की सहायता से तैरते हैं। इनकी त्वचा शल्क यानी स्केल्स या प्लेटो यानी प्लेट्स से ढकी हुई होती है। वे श्वसन के लिए क्लोम यानी गिल्स का प्रयोग करते हैं जिसकी सहायता से
वे जल में विलीन ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। वे असमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत नहीं बना रहता। कुछ मछलियों जैसे शार्क का कंकाल केवल उपास्थि का बना हुआ होता है। अन्य मछलियों जैसे रोहू का कंकाल अस्थि का बना होता है। जनन के लिए वे सभी अंडे देती हैं। वर्ग एम्फीबिया या उभयचर या जल स्थरचर। एम्फीबिया यह शब्द एम्फी तथा बायोस से मिलकर बना है। एम्फी का अर्थ है बोत यानी दो और बायोस का अर्थ है लाइफ यानी जीवन। इस तरह से ये ऐसे जंतु होते हैं जो जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनमें मेंढक, सैलमेंडर, टोड आते हैं। इनमें दो जोड़ी पैर होते हैं। इनकी त्वचा पर फिश के जैसे शल्क नहीं होते, लेकिन इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां यानी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनमें श्वसन के लिए क्लोम अथवा फेफड़े पाए जाते हैं तथा इनका हृदय त्रिकक्षीय यानी थ्री चेम्बर्ड होता है। इनमें बाह्य कंकाल का अभाव होता है। इनमें नर तथा मादा अलग होते हैं। वे अंडे देने वाले जीव है अर्थात ओविपरस है। सरीसृप यानी रेप्टिलिया या रेंगने वाले जीव। इस वर्ग में वे सभी वर्टिब्रेट हैं जो रेंगते हुए गमन करते हैं, जैसे कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ इत्यादि। ये सभी असमतापी जंतु है। इनका शरीर सूक्ष्म शल्कों से ढका हुआ होता है। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते, लेकिन कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें कुछ जीवों के पाद नहीं होते, लेकिन कुछ जीवों में दो जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। वे फेफड़ों की सहायता से श्वसन करते हैं। अधिकतर सरीसृपों में हृदय तीन प्रकोष्ठों से बना होता है, जबकि मगरमच्छ के हृदय में चार कक्ष होते हैं। इनमें नर और मादा भिन्न होते हैं तथा वे सभी अंडे देने वाले जंतु हैं। इनके अंडे कठोर कवच द्वारा संरक्षित किए हुए होते हैं। पक्षी यानी एव्स। ये समतापी यानी वार्म ब्लडेड जंतु है, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। इनमें तोता, कौवा, मोर, ऑस्ट्रिच, कबूतर, गौरैया इत्यादि सभी पक्षी सम्मिलित है। इनमें दो जोड़ी पैर होते हैं, जहां आगे वाले पैर उड़ने में सहायक अंगों यानी पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पीछे के पैरों में चलने, तैरने तथा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए उपयुक्त अनुकूलन होता है। इनमें चोंच पाई जाती है। इनका शरीर परों से ढका होता है। वे फेफड़ों की सहायता से श्वसन करते हैं। इनमें अंतः कंकाल लंबी अस्थियों से बने होते हैं। अस्थियां खोखली होती है तथा वायुकोश युक्त होती है, जिसके कारण इन जंतुओं का वजन कम होता है, जो उड़ने में सहायक होता है। वे सभी अंडज होते हैं। स्तनपाई यानी मैमल्स। इनमें मानव, व्हेल, ऊंट, बाघ, इकिडिना जैसे जंतु सम्मिलित होते हैं। वे सभी प्रकार के वातावरण में जैसे स्थल, जल, मरुस्थल, अंधेरी गुफा, वन इत्यादि में पाए जाते हैं। इनकी मुख्य विशेषता मादा में शरीर में स्तन ग्रंथि का उपस्थित होना है। यह ग्रंथि दूध उत्पन्न करती है, जिससे नवजात शिशु का पोषण होता है। इनमें दो जोड़ी पाद होते हैं तथा वे चलने, तैरने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने तथा उड़ने इत्यादि के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम अर्थात छोटे बाल होते हैं। त्वचा में स्वेद तथा तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें बाह्य कर्णपल्लव
यानी एक्सटर्नल ईयर पिन्ना उपस्थित होते हैं। इनका हृदय चार प्रकोष्ठों से बना होता है। इनमें श्वसन डायफ्राम की सहायता से होता है। इनमें नर और मादा भिन्न होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ स्तनपाई जैसे प्लैटिपस अंडे उत्पन्न करते हैं। इन्हें छोड़कर अन्य सभी स्तनपाई शिशु को जन्म देते हैं। शिशु को जन्म देने वाले जंतु जरायुज यानी विविपरस कहलाते हैं। आज हमने सीखा एनिमलिया जगत के वर्टिब्रेटा समूह के बारे में। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।